मैंने बोला व्लॉग स्टार्ट होने वाला है तो थोड़ी रेडी होके बैठ हाँ गई। चाह को होटल वाली केतली, वो नहीं है लेकिन हमारे घर में मुझे घर जाना है। Hey guys, welcome back to my channel. तो आज का जो व्लॉग है ना वो गुड मॉर्निंग से नहीं बल्कि गुड इवनिंग से स्टार्ट हो गया। और कल का व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर करो, नहीं लगा हो तो भी शेयर करो। मौसम बहुत ही प्यारा, देखो यार चिड़ियों की आवाज़ आनी चाहिए या कौओं की आवाज़ क्यों आ रही है। और सो एनी वेज, और ये देखो आप भी खाओ थोड़ी से बारिश के मज़े। कोई सेंस है इस बात की? तो आज का जो व्लॉग है ना, सच्ची बताऊँ आज के व्लॉग में ना कुछ भी नहीं है। और आगे क्या करने वाले हैं व्लॉग में वो आपको मैं बताऊँगी मम्मी के सामने, ठीक है। तो मैंने आप सभी को बोला था और ये आ गया हमारा सोफा। मम्मी हैप्पी विथ सोफा? हैप्पी। तो ये हमारा है सोफा जो पापा और मैंने डिज़ाइन किया था, और हम लोगों ने ये सारे कलर्स क्या इसमें होने चाहिए ये सब हमने ही डिसाइड करा है। ये हमने बंजारा मार्केट से हम लेकर आए थे, जो मेरे पास और वंशिका बिल्कुल सेम है। और कोइंसिडेंट ये हो गया कि उसने भी सेम में यही वाले फ्लावर लगाए और मेरे भी यही आए, तो ये मेरी थोड़ी ड्रेस से भी मैच हो गया। ओके तो अभी बहुत सारी डेकोरेशन बाकी है लेकिन अभी जितना था हमने उस तरीके से लगा दिया। और ये सब हम लोग जितना भी आइटम आपको दिख रहा है ना ये बंजारा मार्केट से लाए हैं। और आपको तो पता ही है पुलकिता के घर पे भी बहुत सारी डेकोरेशन होनी बाकी है, तो हमने बोला कि थोड़ा सा टाइम ले के रुक के देन उसके बाद हम लोग उसके घर की भी डेकोरेशन वाली चीज़ें लेकर आएंगे। देखो मम्मी को सर दर्द हुआ है लेकिन फिर भी मैंने बोला व्लॉग स्टार्ट होने वाला है तो थोड़ी रेडी होके बैठ गई है ना। आज सारा काम इसी ने किया, झाड़ू पोछा सुबह से बहुत हेल्प। मम्मी रुको आप माइक में बोलो, ऐसे ना लोगों को लगता है मैं कुछ काम नहीं करती। कुछ से ज्यादा है कह रही कुछ ज्यादा। ये अभी हम जो मंदिर है मंदिर को भी हम अंदर शिफ्ट करने वाले हैं, यहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ रखेंगे है ना। तो आपका सर दर्द ठीक है? मम्मी वैसे वाला नखरे करो ना जो पहले कर रहे थे। कैमरे के आगे नखरे होते हैं क्या? बात तो सही है। ये ब्लॉगर मम्मी सुबह से सारा काम कर रखा है इसने मेरे को अभी, मैं लेकिन चाय मैंने बनाई है खुद बनाई। ये भी बोल ही देते चाय उसने बनाई। नहीं नहीं झूठ की बोलो, सुबह से झाड़ू पोछा करा, बहुत सफाई करी घर की। सही में तो जिन लोगों को लगता है कि मैं काम नहीं करती वो लोग देख लो बहुत काम करती हूँ। वो डायलॉग तो मार दो है। खाना भी बनाएगी आज रात का, अच्छा खाना बनाती है। ठीक है कब हो गया ये? आपकी तबीयत खराब है इसलिए बनाऊंगी। चलो व्लॉग में बोल ही दिया तो खाना बना ही देंगे। क्या खाओगे बताओ? चलो कुछ भी बना लेना, जैसे कुछ भी मतलब कुछ भी बना दूँ फिर देख लेना। कुछ भी, मैं आजकल लड़कियां कुछ ऐसी बना देती हैं कुछ भी खा ले। नहीं सब्जी रोटी बनाना। तो आपको मम्मी ये सोफा पसंद आया नहीं आया पापा और मेरे डिजाइन का, तो मैं आप लोगों को बता दूँ है बढ़िया है। पापा मेरे जो है इंटीरियर डिज़ाइनर है, बहुत सालों से वो इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं और अभी पापा कीर्ति नगर में ही जॉब कर रहे हैं। तो पापा का पहले खुद का काम था और उस टाइम पे मैं नहीं थी, अगर मैं होती तो फिर पापा का बिजनेस बहुत अच्छा चलता। तो ये जो सोफ़ा है ना मतलब वो ऐसे दिखने में तो ये 5 सीटर है लेकिन इसको 7 सीटर बोलेंगे, और साइड में ना हमने 2 पफियाँ भी बनवाई हैं ठीक है। और ये जो टेबल है ना ये हमने खुद से ही डिज़ाइन करवाया है। देखो इसके नीचे जो है ना ये ऐसे ड्रॉर है, ऐसे ड्रॉर है और बहुत सिंपल सा है। वो आजकल कलरफुल नहीं चलता मतलब सेम फैब्रिक में बन जाता है टेबल, वो हमने नहीं बनाया। हमने कहा वो बड़ा ही बहुत ज़्यादा ही कलरफुल लगता तो हमने उसको अवॉइड करा। और पापा ने बोला कि वॉलेट में हम लोग इस तरीके से बनाएंगे करके, तो हमने बेसिकली ये बनाया। तो रख दी फिर है, थक गई तो रख दे। आपको मैं बता दूँ मेरी मम्मी ना जितनी सीधी दिखती है ना उतनी ही पंच मारती है ऐसे। हालांकि बोला जाता है कि जो लोग बहुत सीधे दिखते हैं वो ऐसे पंच लाइंस नहीं देते, लेकिन मम्मी फुल दबा के पंच लाइन देती है। मम्मी अभी ना मुझे बहुत दिन से फोर्स कर रही है कि हम लोग जाते हैं शूट्स वगैरह में उत्तराखंड और वहाँ व्लॉग बनाएंगे, और फिर शूट नहीं भी होगा तो भी चल वो व्लॉग बनाना है। तो और जब कैमरा ऑन होता है तब आप कुछ बोलती नहीं हो। अरे उत्तराखंड में बोलेंगे ना। ओके जब हम उत्तराखंड गए थे तब आप तो बोली नहीं। तो अब बोलूंगी। तो आप क्या बोलना चाहोगी मेरी ऑडियंस को? आपको पता है 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। क्या बोलूं फिर? धन्यवाद बोलूंगी पहाड़ी में सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पहाड़ी में मम्मी
अच्छा मुझे भाषण देगी, बोलना तो सीखने दे फिर अब किसी मम्मी पहाड़ी में बोलना कैसे सीखना है, पहाड़ी में बोलना है तो कैमरे के आगे बोलने में थोड़ा लो ये कैमरा अब बोलो पहाड़ी में बोलो ना बोलने पहले सीखना थोड़ा बोलन फिर मम्मी आपको बहुत बोलना आता है वैसे तो पापा को तो आप बोलने भी नहीं देती हो जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे सर मैं दर्द हो रहा है कितना परेशान कर रखा है अभी एल ना बोलने में बाद में बोलो मैं सर को दिल्ली में जा पहाड़ बोल के लेकिन मैं पहाड़ी आप सबको बताओ ना मेरे को क्यों नहीं आई पहाड़ी आप सबको बताओ पवन अच्छे से बोलता है तो बोलती नहीं है तो इसका रीजन क्या है जब हम गंगोली हाट में रहते थे वो लोग हमसे खुद हिंदी में बात करते थे जब हम सब घर में पहाड़ी बोलते हैं तो तूने क्यों नहीं सीखी तेरे को सीखनी चाहिए ना हम तो कभी जो गांव वाले मुझसे हिंदी में बात करते थे करते तो थे ना पता सब, नहीं मम्मी यार कहीं तो साथ दे दिया करोगे ना ठीक है अब भटे हम यो वाल जो व्लॉग छे आप जो हम पहाड़ में बोलो उनको आप भटे हम पहाड़ में बोलो बस पर तू जन बोलिया ठीक है हेलो गाइस अच्छा एक शिकायत अगर आपको मेरी ऑडियंस से लगानी तो क्या लगाओगी शिकायत कुछ नहीं है बेचारे तेरे को देखते हैं वही अरे उनकी शिकायत नहीं मेरी शिकायत लगानी है शिकायत हाँ तेरे तो बहुत सारी शिकायत है अब धीरे धीरे पता चलेंगे जब जब थोड़ा मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा ना दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी तो अब हम आपको ले चलते हैं हमारी किचन की तरफ किचन हद किचन तो पहाड़ी माए अपने बच्चों के साथ गाली देती हुई अच्छी लगती है सीधी साधी अच्छी नहीं लगती हम निर्मला जो करेक्टर है ना वो एकदम एग्जैक्ट है तो मैं यही निवेदन करूंगी हमारे प्रोड्यूसर साहब से और जितने भी हमारे गायककार हैं और ये सब निर्मला क्रीम पाउडर का पार्ट टू जरूर बनना चाहिए और उसमें जो उनकी आगे की दिनचर्या थी वो भी दिखाना बहुत जरूरी है तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि क्रीम पाउडर का पार्ट टू आए तो बहुत सारे कमेंट करें अभी कमेंट करें और टैग करें मशक बीन को बार 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 तो खाना बनाने से पहले मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे कितनी ज़ोरों से भूख लग रही है बहुत गालियां पड़ेंगी मुझे अगर मैंने ये खाया तो लेकिन गालियों को मैं सह सकती हूँ लेकिन अपनी भूख को और अपनी क्रेविंग को जो मेरे मेरी जो ये इसके लिए है ना नहीं सह सकती मुझे घर जाना है मम्मी कर रही है फ़ोन में बात और मम्मी की आवाज़ भी आ रही होगी आप लोगों को उससे पहले मम्मी यहाँ आए इतने में तो मैं खा भी लेती हूँ और बना के भी खा लेती हूँ ब्लॉगिंग ना मुझसे होती नहीं है ज़्यादा लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ कौन कौन मेरी फैमिली में है कौन कौन मेरी लाइफ में है मेरे घर में क्या रहता है वो आप तक पहुँचे पर अरे मुझे ना बोलने का ना बचपन से ही बहुत शौक था मैंने ना बोलने के चक्कर में अपनी अम्मा से ना बहुत मार डांट खाई है मतलब अम्मा हमेशा बोलती थी खी लगा रुनन बस खी मैं और मेरी दीदी मतलब मेरी दीदी है मेरे ताऊजी की बेटी गुंजन दीदी हम दोनों तो इतनी डांट खाई है ना बचपन में इतनी ज़्यादा डांट खाई है मैं आपको क्या बताऊँ क्या है लाइफ कुछ भी नहीं है आज है कल नहीं है मुझे लगता है हम जितनी लाइफ में जीते उतना बहुत है और बस जितने हम लोग लाइफ जी रहे हैं ना उसको इंजॉय करें ये मेरा मानना है और ना मतलब मैं चाहूँ तो ना डेली शूट्स कर सकती हूँ लेकिन मैं ना बहुत सेलेक्टिव काम करती हूँ और कम काम करती हूँ अच्छा काम करती हूँ और मुझे लगता है हमारी बॉडी को रेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीच में ना मतलब अभी 4 महीने 5-6 महीने पहले से मैं इतना बैक टू बैक शूट कोई भी शूट है कोई भी गाने कोई भी प्रोजेक्ट है कोई भी मूवी है ये वो फिर भी मैं कर लेती थी फिर मैंने सोचा नहीं यार थोड़ा सा कम करें इसको मुझे ना गाने बहुत ज़्यादा नहीं करना है लिमिटेड करना है लेकिन अच्छे करना है चाह को होटल वाली केतली वो नहीं है लेकिन हमारे घर में केतली है लेकिन मम्मी ना ऐसे पानी उबालती है चाय नहीं बनाती है क्योंकि ना गाँव वाला फ्लेवर आता नहीं है वो लंबी लंबी ना मैगी आ नहीं पाती है क्योंकि वो फिर पक नहीं पाती है मुझे ऐसा लगता है तो मैं ना फटाफट से कर लेती हूँ मम्मी अभी भी बात ही कर रही है मैं कहती कि जब मैंने ये बोला ना आप लोगों को कि चलो मैं खाना बनाने जा रही हूँ मम्मी ने मुझे बोला चल इधर आ बैठ के थोड़ी बातें करते हैं और यहीं बैठे रहे खाने में इतना टाइम है वैसे भी ब्लॉग में क्या पता चलता है तो हम बैठ गए और अभी मैं फ़ोन बात कर रही है कुछ वीडियोज़ हमने देखी कुछ एडिट करनी थी मतलब मैं एडिट नहीं करती हूँ अभिषेक है एडिटर तो वो एडिट करता है तो उसे उसके साथ थोड़ी कोऑर्डिनेट कर लेती हूँ मैं कि क्या व्लॉग अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है और भी हमारी छोटी छोटी वीडियोज़ होती है तो वही एडिट करता है तो अभी मैं मम्मी के पास जाऊँगी ठीक है मम्मी को बोलूँगी
कि मेरा गैस से आए, आई एम नॉट कन्फर्म विद दैट, मेरा गैस से ये कि जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं मम्मी को पूछूँगी क्या बनाना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी बोलेंगी व्हाइट सॉस पास्ता. इफ़ शी इज़ फीलिंग नाउ गुड, अगर वो अभी अच्छा फील कर रही होगी तो ऐसा बोल सकती है. यार ये क्या है? ओह मेरा वो आया. कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं यार जो ना खुलती भी नहीं है और मैं बस ढूंढती रह जाती हूँ कि यार मैंने तो मंगाया था अभी तक आया नहीं. तो ये मैंने मंगाया था रेड चिली. मैगी भी आपको दिखा देती बन रही है, मैगी भी अच्छी खासी बन रही है. और ये ना हमारी पहाड़ी सिलबट्टा बोलते हैं इसको, ये वो है. और ये मेरी मैगी बन रही है मस्त चकाचक, और हम इसको सर्व करेंगे यहाँ पे चका. तो ऐसा है कि मेरी मैगी बन गई है, अब मैं इसको डालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो मुझे मिल नहीं रहा. ये ना सब अभी मम्मी फ़ोन में बात कर रही है. मम्मी की ना कॉल ना थोड़ी लंबी चलती है कभी कभी, मतलब जैसे मम्मी की फ्रेंड्स की कॉल आ गई ना तो कैसे काट रही है मम्मी, इतनी गालियाँ देगी ना मुझे. सीरियसली गालियाँ नहीं, मतलब वो प्यार है. अब ये ना सोचो मम्मी गालियाँ देती है पर सच में देती है पहाड़ी में, जो बहुत अच्छी लगती है. हिंदी में देती है ना, हिंदी वाली बहुत गंदी होती है. बहुत अनोइंग होती है हिंदी वाली गाली. तो भाई उसको रख देती हूँ मैं. तो मैंने बना ली अपनी मैगी मस्त, और मैं थोड़ा काम भी कर रही थी, मैगी भी खा रही थी. नीचे बैठ के खाओ सबसे बढ़िया, ऊपर नहीं बैठा जाता हमसे बिल्कुल भी. भाई हमारी मैगी बन गई है मस्त. देखो जिनको जिन्होंने अभी भी नहीं देखे ना, श्वेता मारा टाइप करो. तो मैं जब श्वेता मारा टाइप करती हूँ ना तो सबसे ऊपर मेरा चैनल का आ जाता है, क्योंकि मैंने टाइप किया है. कोई सेंस है इस बात की? जो मेरा फेवरेट गाना है ना वो ये है. ये मेरा बिल्कुल फेवरेट वाला गाना है. मतलब गाना लगाने में भी कभी कभी दिक्कत होती है क्योंकि फिर कॉपीराइट वाला सीन होता है. जिस चीज का मुझे भरोसा था वही हुआ. मम्मी ने लास्ट में बोला कि सब्जी रखी हुई है तुम लोगों की, और हम अपने लिए एक प्याज लहसुन की सब्जी बनाते. हमारे घर में ना यही होता है गाइज, इसलिए हम ना ब्लॉग नहीं बनाते हैं क्योंकि हमसे हो तो पाता नहीं है. ये प्लान चेंज कर देती है क्योंकि पूरा बनाने दो. जाओ यार मम्मी, आप नहीं करने दोगी ब्लॉग. देखा मैंने आपको बोला था ना यही होगा बस बाय.